वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। इससे एक क्वेश्चन बार बार बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड आर सिंधु घाटी सभ्यता के किस समय को सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2500 BC से 1750 BC के समय को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड मानते हैं। लेकिन एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय पीरियड कब था ना? 2900 BC से लेकर 1700 BC तक था। लेकिन हम 2500 BC टू 1750 BC के समय को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड मानते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, कोई भी कंफ्यूजन इसमें आपके रहना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू व्हिच एज? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है यह किस समय को हम कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय को हम कॉपर एज भी कहते हैं। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा सही उक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों उक्ति ही सही है। तीनों उक्ति कौन ना? फर्स्ट अर्ली फेज, मिडिल फेज और लेटर फेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन को तीन फेज में बांटा गया था, एक अर्ली फेज, नेक्स्ट मिडिल फेज और लेटर फेज। अर्ली फेज हम 2500 BC से 2500 BC तक समय को अर्ली फेज व आद्य सिंधु सभ्यता मानते हैं। इसके बार मिडिल फेज 2500 BC टू 2000 BC के समय को हम मध्य सिंधु सभ्यता के समय रूप में मानते हैं। इसके बाद लेटर फेज 2000 BC टू 1750 BC के समय को हम लेटर व अंतिम सिंधु सभ्यता के पर्याय रूप में हम मानते हैं। ये याद रखें, सिंधु सभ्यता का समय 2900 BC से 1700 BC तक होता है। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली व सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस, हड़प्पा एंड मोहनजोदार। हड़प्पा एवं मोहनजोदार शहर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921? तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा को पहली बार खोजा गया था कब ना? 1921 में हड़प्पा को पहली बार कौन खोजा था ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदार को कौन खोजा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बानाजी। ये भी याद रखिए, मोहनजोदार को राखालदास बानाजी खोजा था कब ना? 1922 में। ये भी याद रखिए, 1922 में राखालदास बानाजी मोहनजोदार को खोजा था, लेकिन हड़प्पा को दयाराम साहनी 1921 में खोजा था। इस दोनों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट, हु गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? फर्स्ट, सर्वप्रथम इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में सूचना किसने दी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेनन। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC में भी ये आ चुका है। जो चार्ल्स मेनन होता है, उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहली बार बताया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहली बार कौन? चार्ल्स मेनन बताया था। नेक्स्ट, हु सर्वेस इंडस वैली सिविलाइजेशन आफ्टर इन्फॉर्मेशन बाय चार्ल्स मेनन? जो चार्ल्स मेनन पहली बार सूचना दिए थे, इसके बाद पहली बार कौन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कनिंगहम। हु सर्वे, जो चार्ल्स मेनन पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे, इसके बाद कनिंगहम ने इसको खुदाई करने के लिए पहली बार खुदाई किया था। कौन ना? कनिंगहम सर्वे किया था। सॉरी फ्रेंड्स, खुदाई ने सर्वे किया था। चार्ल्स मेनन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सूचना दिए थे और कनिंगहम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सर्वे किए थे। ये भी याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। नेक्स्ट, हु नेमिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। ये भी याद रखिए, इस तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडस वैली के सिविलाइजेशन के बारे में सूचना कब दिए थे ना? चार्ल्स मेनन दिए थे। इसके बाद सर्वे कौन थे ना? कनिंगहम सर्वे किए थे और मार्शल नामकरण किए थे। इस तीनों पॉइंट याद रखिए, चार्ल्स मेनन जो पहली बार सूचना दिए थे, कनिंगहम पहली बार सर्वे किए थे और मार्शल इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किए थे। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर अप्रोक्सीमेटली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया होता है कितना विस्तृत हुआ था, सही ऑप्शन नंबर बी 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक उन्होंने विस्तृत हुआ था। इसके बाद द साइज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लुक्स लाइक विथ शेप, इंडस वैली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का साइज देखने के लिए कैसे तरह होता है ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ट्राइंगुलर, सिंधु घाटी सभ्यता का ट्राइंगुलर तरह ट्राइंगुलर बा त्रिभुजाकार हुआ। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार किसको उद्घाटन किसको खनन किया गया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा शहर होता है इसको पहली बार खनन किया गया था। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा नहीं मिला था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी काओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में काओ का प्रमाण कोई भी नहीं मिला है। इसके मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ने काओ का व्यवहार नहीं जानते थे, इसके काओ को छोड़कर बाकी सभी उनके द्वारा पालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ए कॉलम को मैच करिए, मैं जानबूझकर सही सही लिखा हूँ आपको याद रखने के लिए। याद रखिए, नॉर्थ मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉर्थ से नॉर्थ मांडा पर्यंत विस्तृत है, इसके बाद साउथ में दाइनाबाद, ईस्ट में आलमगिरिपुर और वेस्ट में सुत का गेंडोर तक विस्तृत हुआ था। इसे याद रखिए, नॉर्थ में है लकोना, मांडा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, इसके बाद साउथ में दाइनाबाद जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, इसके बाद ईस्ट में आलमगिरिपुर जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, और वेस्ट में सुतका गेंडो जो अभी पाकिस्तान में है। इस चार इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बाहरी पॉइंट था। ये याद रखिए, इस तक इंडस वैली सिविलाइजेशन विस्तृत हुआ था, ये चार पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मूड अपडेट, मूड अपडेट हम किसको कहते हैं ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मौजूदार, मौजूदार को हम मूड ऑफ डेट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्लेस ए पोर्ट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस शहर में एक पोताशय व बंदर मिला है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोथल, लोथल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पोताशय व बंदर मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट नाउ इन पाकिस्तान, इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस शहर अभी पाकिस्तान में अवस्थित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द, ये तीनों हड़प्पा मोहंजोदार एंड सुतका गेंडोर, हड़प्पा मोहंजोदार एंड सुतका गेंडोर ये तीनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट अभी पाकिस्तान में है, ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा दोनों साइट है जो अभी अफगानिस्तान में अवस्थित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिस, मुंडीकाक शत्रुघाई, इस दोनों ही अफगानिस्तान में अभी है, याद रखिए दोनों एग्जाम में आ चुका है, अफगानिस्तान में अवस्थित है मुंडीघाक शत्रुघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, इन भारत में सबसे सिंधु घाटी जो सभ्यता का सबसे बड़ा एरिया कौन था ना, सही उत्तर ऑप्शन से राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा एरिया था, ये याद रखें बड़ा साइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच रीजन वी कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन ए टाउन सिविलाइजेशन, किस कारण से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक शहरी सभ्यता कहते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही मुख्य कारण है। फर्स्ट है टाउन प्लानिंग, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है वे एक प्लानिंग के तरह बनाया गया है। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, सभी शहर में ड्रेनेज सिस्टम बहुत उन्नत था। इसके बाद टू फ्लोर बिल्डिंग्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरी में जो बिल्डिंग हुआ था इसमें सब बिल्डिंग की टू फ्लोर का होते हैं। इस तीनों पॉइंट से आप याद रख सके इंडस वैली व सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता व नगरी सभ्यता थे। नेक्स्ट, व्हिच इंडस वैली साइट इज ए वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस साइट सबसे प्लांट बा डेवलप्ड सिटी था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी धोलवेरा, ये भी याद रखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का धोलवेरा साइट है ये सबसे प्लांड सिटी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्लांड सिटी कौन था ना, धोलवेरा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन हड़प्पा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा व सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा मिला है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों सब मिला है। मदर गॉडेस, ये जो एक मातृदेवी का पूजा करते थे ये हड़प्पा
हड़प्पा के साइड में मिला है। इसके बाद सिक्स ग्रैनरी जो छः सिक्स बड़े बड़े ग्रैनरी हड़प्पा साइड में भी मिला है, जिस स्थान पर खाद्य पदार्थ को मौजूद रखते थे लोगों। इसके बाद लेबर हाउस जो श्रमिक रहते हैं ये भी हड़प्पा साइड में मिला है, श्रमिक गृह। इसके बाद एलिफेंट भी मिला है, एलिफेंट का टीथ हाथी दांत मिला है। एक सिंह गंडा भी सिंधु सभ्यता के साइट में हड़प्पा साइट में मिला है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंड इन मोहनजोदार। इसके बाद मोहनजोदार में कौन कौन मिला है इसके बारे भी हम जानेंगे। सही तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही मिला है। फर्स्ट, बिगेस्ट ग्रैनरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ग्रैनरी बा शस्यागार कौन सा स्थान में मिला है ना, मोहनजोदार में सबसे बड़ा ग्रैनरी मिला है। इसके बाद द ग्रेट बैथ जो सिंधु घाटी सभ्यता जो ग्रेट बैथ सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदार में मिला है। इसके बाद पशुपति शिव इमेज जो एक पशुपति शिव इमेज था पशुपति, इसके इमेज भी मोहनजोदार से मिला है। इसके बाद कॉटन ड्रेस मिला है, कुओं मिला है और पुरोहिती आवास। पुरोहित सबसे ज़्यादा पुरोहित कहाँ पर ना, मोहनजोदार पर वास करते थे। ये भी याद रखिए, हड़प्पा में ज़्यादा लेबर रहते हैं और मोहनजोदार में ज़्यादा पुरोहित रहते हैं, ये भी याद रखिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉटन ड्रेस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कॉटन ड्रेस का पहली बार उद्भावन किया था और पहली बार कॉटन ड्रेस को यूज किया था, ये भी याद रखिए। सिंधु सभ्यता का एक बड़ा अवदान मानव जाति को क्या है ना, कॉटन ड्रेस का उद्भावन करना, ये भी याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नो बाउंड्रीज फाउंड। आप जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन उद्भावन किया आविष्कार किया गया है, ये सभी सभ्यता के एक बाउंड्री में घिरा था, लेकिन एक ऐसा स्वर था जो इसमें इसके चारिपाक में कोई भी बाउंड्री का प्रमाण नहीं मिला है। इस स्वर का नाम क्या है ना, चांद रुद्र। ये भी याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा शहर था चांद रुद्र जिसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं मिला है, ये इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फाउंड इन गुजरात। गुजरात में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट मिला है, सही तो ऑप्शन से बोथ ऑफ दीज, लोथल और दोलोविरा, ये दोनों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रूपार। रूपार के बारे में सही उक्ति क्या है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों उक्ति सही है। फर्स्ट, डिस्कवर्ड बाय योगदत्त शर्मा द्वारा रूपार को आविष्कार किया गया था। इसके बाद इट इज पंजाब, यह कौन ना पंजाब के स्थान पर, पंजाब अभी वर्तमान के पंजाब पर रूपार अवस्थित है। इसके डॉग फाउंड रूपार में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ने डॉग पालन करते, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़ा शहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज द सिमिलैरिटी विद सुमेरियंस। जो इंडस, ये भी प्रमाण मिला है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ये सुमेरियन जो इजिप्ट सभ्यता है इसके साथ वाणिज्य कारोबार करते थे, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के सुमेरियन के साथ कुछ सामंजस्य मिलता था। ये कौन साइड से मिला है, सही तो ऑप्शन नंबर है कालीमंगन। कालीमंगन में इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग के सामंजस्य सुमेरियन के साथ मिला है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बनवाली। बनवाली के संबंधित क्या सही उत्तर है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों व्यक्ति सही है बनवाली संबंधित। फर्स्ट, डिस्कवर्ड बाय रविंद्र सिंह। बनवाली को रविंद्र सिंह ने उद्भावन किया था, ये कहाँ पर ना, हरियाणा पर अवस्थित है। नेक्स्ट, टेराकोटा हॉल फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेराकोटा हॉल फाउंड कहाँ पर मिला है ना, बनवाली, हरियाणा के बनवाली के इंडस वैली सिविलाइजेशन साइड में टेराकोटा हॉल मिला है। इसके बाद रोड आर बेंडिंग, जो बनवाली में रोड बना गया था रोड सीधा नहीं थे, अंका वंका था, ये भी याद रखे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बनवाली के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट, व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड हॉर्सेस। किस स्थान पर घोड़े का प्रमाण मिला है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुतकागेंडर। सुतकागेंडर जो अभी पाकिस्तान में अवस्थित है, इस स्थान पर घोड़े का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गेटवे सिटी।
इनमें से किसको हड़प्पा सभ्यता के गेटवे सिटी कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के गेटवे सिटी हम किसको कहते हैं ना, हड़प्पा। हड़प्पा साइट को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का गेटवे सिटी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा साइट को पहली बार उद्भावन किया गया है, इसलिए इसको पहली बार आविष्कार किया गया है हड़प्पा साइट को, इसलिए इसको हम गेटवे सिटी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच प्लेस इज नोन एज ब्लैक बंगला, किस शहर को हम ब्लैक बंगला कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कालीमंगन। कालीमंगन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्लैक बंगला कहते हैं, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा वस्तु को, मेटल को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आयरन का व्यवहार को इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल नहीं जानते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्री के बारे में, ब्रॉन्ज इंडस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्रॉन्ज इंडस्ट्री जो हम डायमाबाद एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्रॉन्ज इंडस्ट्री जो डायमाबाद ब्रॉन्ज इंडस्ट्री से संबंधित है, डायमाबाद। इसके बाद ब्रॉन्ज टूल्स एंड मेटल फिनिश गुड व्यवसाय लोथल में से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोथल साइट है, इसने स्टोन टूल एंड मेटालिक फिनिश गुड का व्यवसाय कहाँ पर मिलते हैं ना, लोथल में अच्छा अच्छा स्टोन प्रस्तुत किए थे। इसके बाद प्योर गुड्स, जो प्योर मीन्स आप जानते हैं मुक्ता है होता है, इस मुक्ता का अच्छा गुड्स कहाँ पर मिलते हैं ना, बालाकोट में मिलते हैं, अभी पाकिस्तान में बालाकोट प्योग में अवस्थित है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट, गोल्ड से प्रस्तुत उत्पादन कहाँ पर मिलते हैं ना, कोलार में मिलते हैं। इसके बाद सिल्वर इंडस्ट्री कहाँ पर मिलते हैं ना, अफगानिस्तान में मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अफगानिस्तान में अवस्थित है, जो अफगानिस्तान में जिस स्थान अवस्थित है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, इस साइट में सबसे ज़्यादा सिल्वर के बारे में जानकारी मिली है। इसके बाद सिटी नियर रिवर, कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ शहर के बारे में हम जानेंगे जो कुछ नदी के किनारे अवस्थित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है। फर्स्ट धोलावीरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, ये भी याद रखिए, धोलावीरा कहाँ पर ना, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। इसके बाद मौजदार अभी पाकिस्तान में अवस्थित है, ये कहाँ पर ना, इंडस रिवर के किनारे अवस्थित है, इंडस रिवर के किनारे कौन ना, मौजदार। इसके बाद हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये भी पाकिस्तान में अवस्थित है, ये भी याद रखिए। इसके बाद बनवाली जो घाघर नदी के किनारे पर है, ये भी हरियाणा में अवस्थित है, घाघर नदी के किनारे पर अवस्थित है बनवाली। इसके बाद रूपार सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये अभी पंजाब में अवस्थित है, ये भी याद रखिए, रूपार पंजाब का अवस्थित है सतलज नदी के किनारे। इसके बाद लोथल जो भगवा नदी के अवस्थित है, ये गुजरात में अवस्थित है। इसके बाद चांद हुत्रो इंडस नदी के किनारे पर अवस्थित है, ये भी अभी पाकिस्तान में अवस्थित है चांद हुत्रो। इसके बाद आलमगिरीपुर जो हिंडन नदी के किनारे पर है, यूपी में अवस्थित है आलमगिरीपुर, सबसे पूर्वीतम स्थान था आलमगिरीपुर, ये भी याद रखे। इसके बाद सुतकागेंद्रू जो सबसे पश्चिमतम स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये दास्त नदी के किनारे पर है, ये भी पाकिस्तान में है। ये चार पॉइंट याद रखे, सबसे पूर्वी स्थान आलमगिरीपुर, सबसे पश्चिमतम स्थान सुतकागेंद्रू, सबसे नॉर्थतम स्थान मांडा और सबसे साउथतम स्थान डाइमाबाद, ये चार पॉइंट याद रखे। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह का न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।